नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के खैरथल कस्बे के रेलवे स्टेशन पर समीपवर्ती ग्राम ततारपुर की एक महिला ने अपने बेटा व बेटी के साथ दिल्ली से जयपुर जाने वाली मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। हादसे में माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी हाथ छुड़ाकर भाग गई, जिससे उसकी जान बच गई। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। जीआरपी के थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि देशराम जाट की 35 वर्षीय पत्नी सुमन अपने घर से दो बच्चों मयंक व ईशा के साथ आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बनी छतरी के नीचे बैठ गई। मालगाड़ी आते ही दोनों को पकड़कर ट्रेन के सामने आ गई, जिससे सुमन व 9 वर्षीय बेटे मयंक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बेटे ईशा अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर भाग गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली शहर के नयागांव सोजत रोड स्थित एक रिटायर्ड तहसीलदार ने करोड़ों रुपए की अपनी बेशकीमती जमीन कुटरचित दस्तावेज बनाकर हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला ट्रांसपोर्ट नगर थाने में दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में एक पूर्व पार्षद सहित 4 जनों पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। SHO विक्रम सांधु ने बताया कि जोधपुर के नागोरी गेट निवासी रिटायर्ड तहसीलदार प्रकाश चंद्र राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि गीता देवी भाटी से वर्ष 2010 में 4,07,000 रुपये में सोजत रोड मार्ग पर फारूक भाई के तबेले के सामने कृषि भूमि खरीदी थी। किसी कारण से जमीन का रजिस्टर्ड पंजीयन नहीं करवा पाए, लेकिन जमीन पर भौतिक रूप से उनका कब्जा है तथा किसान से काश्त करवा रहे थे। कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनके परिचित की पत्नी को लोभ देकर पाली निवासी मोहम्मद रमजान भाटी, अल्ताफ मोयल व अनवर भाटी ने उक्त जमीन को फर्जी तरीके से खरीदकर 3 अलग अलग अनुसूचित जाति के लोगों के नाम बेनामी रजिस्टर करवा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में भारतीय सेना में नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार से ठगी करने का मामला सामने आया है। जयपुर निवासी एक व्यक्ति ने 6 लाख में सौदा तय किया और पीड़ित से 4 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मेडिकल एग्जाम में कैंडिडेट बाहर हो गया। बाद में पैसे मांगे तो नहीं दिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर मदनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास रहने वाले 21 वर्षीय निहाल प्रजापत ने बताया कि कुछ माह पहले अजमेर में सेना भर्ती करवाई गई थी। नौकरी दिलाने के नाम पर जयपुर निवासी मदन सिंह राठौड़ से सेना भर्ती में भर्ती कराने के लिए 6 लाख में बात हुई। बाद में आरोपी को 4 लाख दे दिए। इसके बाद मेडिकल में अयोग्य करके बाहर कर दिया गया। जब मदन सिंह से 4 लाख रुपए वापस मांगे तो पहले वह टालमटोल करता रहा और बाद में रुपए नहीं लौटाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चूरू जिले के सरदारशेर बीकानेर रोड स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 4 हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग दहक उठी। आग दोपहर 3 बजे लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है। आग बुझाने के लिए सरदारशहर, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़, तारानगर सहित 7 शहरों से दमकल बुलाई गई। 3 घंटे में दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन शाम 6 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। आग के बीच से ही लोग अपनी फैक्ट्री से सामान बाहर निकालने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में वेल्डिंग मशीन से काम चल रहा था, चिंगारी गिरने से आग भड़क गई। आगजनी में करीब 10 करोड़ रुपए के नुकसान की शंका जताई जा रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में तेजाब जैसा केमिकल पिलाकर विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए आए दिन परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। अब दहेज नहीं देने पर तेजाब जैसा केमिकल पिलाकर जान लेने का केस दर्ज करवाया है। उधर घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बामनवास अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। यह पूरा मामला बामनवास थाना क्षेत्र के भावरा गाँव का है। थानाधिकारी ब्रजेश मीना के अनुसार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रमेश चंद्र मीना ने बताया कि मृतका का मुंह और आंतें जली हुई हैं। ऐसे में तेजाब जैसा केमिकल कोरोजिल पीने से उसकी मौत होना संभावित है। मृतका के भाई भरतलाल बागरिया निवासी पिलोदा ने बताया कि उसकी 21 वर्षीय बहन गुड्डी देवी की शादी 3 साल पहले खेड़ी निवासी राजेश बगरिया के साथ हुई थी। दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने गुड्डी देवी को तेजाब जैसा केमिकल पिलाकर उसकी जान ले ली। CO तेज कुमार पाठक मामले की जांच कर रहे हैं।
अलवर के भिवाड़ी कस्बे के खुशखेड़ा थाना इलाके में ससुराल जनों की प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि भोंकर गांव निवासी जुबेर की विवाहित पुत्री 20 वर्षीय मनीषा ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीषा की शादी 14 मार्च 2021 को सिकरावा गांव निवासी 23 वर्षीय इम्तियाज के साथ हुई थी। शादी में खूब दहेज दिया था। मनीषा पर उसका ससुर आसिफ बुरी नजर रखता था। पिता के कहने पर ही इम्तियाज ने मनीषा को तलाक बोलकर घर से निकाल दिया, जिससे वह काफी परेशान थी और उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मनीषा ने 11 मई 2022 को भिवाड़ी थाने में पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व तलाक का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली के मंडरायल थाना क्षेत्र के निंदर मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की शादी 2 मई को ही हुई थी, इस कारण परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन यह सूचना मिलने के बाद मातम छा गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। करौली हॉस्पिटल पुलिस चौकी प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि 21 वर्षीय घनश्याम निवासी प्रेसपुरा मंडरायल बाइक से मंडरायल की ओर आ रहा था। इस दौरान पीछे चल रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है। चोमो पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पिता ने बताया कि पड़ोसी युवक धर्मेंद्र ने मेरी बेटी को डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रेप किया। करीब 4 महीने पहले उसकी नाबालिग बेटी बाथरूम में नहा रही थी। इस दौरान युवक धर्मेंद्र ने अश्लील फोटो वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने धमकाया कि तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरे माँ बाप और दादी को जान से मार दूंगा और छोटे भाई बहनों को बेच दूंगा। पीड़ित ने पुलिस से धर्मेंद्र के मोबाइल से फोटो वीडियो बरामद कर डिलीट करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आधा दर्जन स्वैप मशीन, 2 दर्जन ATM, डेबिट कार्ड व 2 दर्जन फर्जी बिल बुक जब्त की है। DCP साउथ मृदुल कछवा ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा आमजन को विदेशी सामान सस्ते दामों पर बेचने के नाम पर सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से झांसे में लेकर ठगी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस ने आरोपी बाउंडलाई निवासी बैन अली दियारा, हाल निवासी दिल्ली, कृष्णापुरी तिलक नगर निवासी सौरभ चौहान व कमल लोहट को गिरफ्तार किया है। सिरोही पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी लग्जरी कार में सवार 2 तस्करों को छोड़ने के मामले में आखिरकार बर्खास्त थानेदार सीमा जाखड़ को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अब 3 और बर्खास्त कांस्टेबल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस मामले में अब तक 4 जने पकड़े जा चुके हैं। SP धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रकरण में जोधपुर निवासी बर्खास्त उप निरीक्षक सीमा जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है। उसे तस्कर को भगाकर मदद करने के आरोप में पकड़ा गया है। प्रकरण में इससे पहले रमेश, हेमाराम व शंकरलाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। सिरोही में बरलूर थाने के बर्खास्त कांस्टेबल ओम प्रकाश, सुरेश कुमार व हनुमाना राम की गिरफ्तारी बाकी है।